हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एफके गुरु चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है, मैं देखा अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे लोग कमेंट किए हुए हैं कि सर मान लीजिए हम अपने बकरी फार्म खोले हुए हैं, वहीं पे अगल बगल में और भी लोग बकरी फार्म खोल लें तो उससे क्या हमको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो आइए इसी चीज पे आज डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, जो भी हमारा नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं क्योंकि उनको भी इस बारे में नॉलेज जानकारी मिल जाए। आइए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। जैसे दोस्तों मान लिए मैं बकरी फार्म अपने एरिया में खोला हूँ, हमारे गांव में बकरी फार्म खोले या कोई एरिया है उस एरिया में बकरी फार्म खोले हुए हैं और अगल बगल में फिर लोग बकरी फार्म खोल लेते हैं तो क्या हमको इससे नुकसान होगा या फायदा होगा। दोस्तों अगर आप पहली बार खोले हुए हैं बकरी फार्म, आपका उस एरिया में बकरी फार्म है, हो सकता है कुछ आपका सेल ज्यादा हो क्योंकि आपके लोकल एरिया के लोग हैं वहाँ पे आके बकरी या बकरा जो खरीदना हो या बकरीद में हो या ऐसे खरीद सकते हैं दोस्तों। मगर अगर जब उस गांव में या उस एरिया में 10, 15, 20 लोग खोल लेते हैं और उस एरिया का नाम हर जगह हो जाता है, इससे बेनिफिट भी हो सकता है। बट कब होगा, जब उस एरिया का नाम हर जगह जैसे हो कि इस एरिया में जाने पे यहाँ पे बकरी या बकरा या कुछ भी मिलना ही मिलना है वहाँ पे। उसे ये होता है दोस्तों कि दूर दूर से भी लोग वहाँ पे आते हैं और आपको एक अच्छा इनकम होने का भी सोर्स बन सकता है और आगे बढ़ने का भी सोर्स बढ़ सकता है। बशर्ते लोगों को मालूम होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग बकरी फार्म खोल लिया, कहीं किसी को अगल बगल में कहीं मालूम भी ना हो क्या बकरी फार्म है। इसलिए सबसे पहले वो प्रचार होना चाहिए हर जगह कि यहाँ पे बकरी फार्म इस एरिया में जाने के बाद हमको 10 केजी का बकरा मिल सकता है, 15 केजी का मिल सकता है, 50 केजी का मिल सकता है। यानी कि जो कस्टमर आए वो लौट कर नहीं जाए क्योंकि हर फार्म में हर साइज का या हर कुछ अवेलेबल नहीं होता है। फर्स्ट ये हो गया दोस्तों। उसके बाद उस एरिया से कोई आदमी है जो माल को, जो बकरा हो बकरी को प्रोडक्ट जो बाहर देश में या बाहर स्टेट में वो सेल करता है, कॉन्ट्रैक्ट है उसका, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। इससे दोस्तों अगर आप अकेले खोले हुए हैं तो हो सकता है प्रॉफिट भी हो नहीं भी हो, मगर अगर वहाँ पे 10-15 खोल लेता है, अगर प्रचार हो जाता है इससे इनकम हो सकता है। तो सबसे जरूरी है प्रचार होना, यानी लोगों को मालूम होना जरूरी है कि इस एरिया में हम जाएंगे तो हमको बकरी या बकरा जो भी जिस साइज जिस तरीका का जिस किस्म का जिस नस्ल का हो ये मिल सकता है। तो पब्लिक यहाँ पे जरूर आएगा और आने के बाद से वहाँ पे खरीदारी करेगा। रब्बत आपका प्राइस का, तो आप लोग अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हैं तो वहाँ पे क्या उसका सेल या प्राइस रखना है। आप लोग अपने में एक बैठ के हम ये बकरी का पाल लेते हैं, मान लीजिए बरबरी कोई पाल लेता है, कोई बीटल पाल लेता है, कोई सिरोही पाल लेता है, कोई देसी पाल लेता है। लोग को ये होगा कि इस एरिया में जाते हैं तो हमको यहाँ पे वो चीज हमको या बकरा या बकरी हमको वहाँ पे मिल जाएगा। और बहुत से लोग ये भी होना चाहिए कि जो बाहर माल सेल करे वहाँ पे बड़े बड़े कस्टमर भी आते हैं, बड़े बड़े डीलर भी आते हैं जो माल को बाहर बेचते हैं कि वो जानते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी हमको चाहिए तो 40-50-100 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को मालूम भी चल गया आप एक फार्म खोले हुए हैं तो ये तो नहीं है कि कंटिन्यू आपको हर साइज का हर चीज आपके पास अवेलेबल हो, ये नामुमकिन होता है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अगर जो बड़ी नस्ल की बकरी है, अक्सर देखा गया है बिहार यूपी ये सब जगह पर 40-50-30-35-50-60-70 खोलते हैं, ये 500-1000 कोई नहीं खोलता है। जैसे दोस्तों आज मान लीजिए हम बिहार से हैं या यूपी के हैं, हम जाते हैं राजस्थान से बकरा लाने के लिए, बरबरी होगी या जो भी बकरा या बकरी हम लाने जाते हैं राजस्थान से, क्यों वहाँ पे बहुत से लोग खोले हुए हैं तब हम लोग वहाँ पे जाते हैं। अगर कोई वहाँ पे एक फार्म दो फार्म रहता तो हम लोग नहीं वहाँ जाते। इससे ये दोस्तों ये चीज आप कोई दिमाग में डुका लीजिए, ये दिमाग में डाल लीजिए कि इससे बेनिफिट हो सकता है। बशर्ते प्रचार होना चाहिए, सबको मालूम है कि हम अगर सिरोही लेना है तो राजस्थान में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे कहीं बहुत से फार्म वहाँ पे है, तो हर एरिया में एक अलग अलग नस्ल का फार्म है। तो आपको भी ये करना है कि आप अगर मिलके जुल के खड़िए मिलजुल के रहिए और प्रचार को जितना आगे से आगे लोगों को जानकारी दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कीजिए, यूट्यूब पे आइए, फेसबुक पे आइए, हर जगह पे आप आइए। ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा है इसलिए ऑनलाइन के थ्रू हर चीज पे आप आगे आइए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पे आइए और आकर लोगों को, अभी सबसे अच्छा टिकटॉक भी चल रहा है, आप लोगों को जानकारी दीजिए
की चीज हमारे एरिया में मिलता है, आप आइए, लोग वहाँ पे होगा कि आप जाएंगे और आप लोगों को इनकम होगा, डॉक्टर होगा, खाने का, पीने का, बकरी का इलाज का हर चीज सुविधा वहाँ पे मिलता है। जो चीज जहाँ पे अवेलेबल रहता है वहाँ पे लोगों को बहुत फायदा होता है दोस्तों। तो इससे आपको बेनिफिट होगा कब, जब प्रचार होगा तब, ये बात आप कर लीजिए। अगर आप अकेले खोले हुए हैं तो ही आपके लोकल ही एरिया में वो माल जाएगा और लोग वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे लोकल में भी बेनिफिट है, सबसे ज्यादा होगा तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू दोस्तों।